हेलो फ्रेंड्स, आपने कई खूबसूरत आइलैंड्स यानी कि टापू देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में आज मैं जिस खास आइलैंड की बात कर रही हूँ वो एक ओशन आइलैंड नहीं बल्कि इंडिया का एक रिवर आइलैंड है, यानी कि नदी द्वीप है और नाम माजुली रिवर आइलैंड है, जिसे 2016 में डिस्ट्रिक्ट भी घोषित कर दिया गया और इस तरह से इंडिया की ये वन एंड ओनली एंड फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट है। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर दुनिया का ये सबसे बड़ा रिवर आइलैंड इंडिया में है कहाँ पर? तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि दुनिया का ये सबसे बड़ा रिवर आइलैंड माजुली इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट असम में है और ये असम की कल्चरल कैपिटल के तौर पर भी अपनी पहचान रखता है। फ्रेंड्स, किसी भी आइलैंड की तरह माजुली रिवर आइलैंड भी दिखने में बेहद ही खूबसूरत है। अगर कभी आप यहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये रिवर आइलैंड चारों तरफ से हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ है। साथ ही यहाँ आपको दूर दूर तक राइस कल्टीवेशन यानी कि धान की खेती भी देखने को मिलेगी, जो कि इस जगह की खूबसूरती पर चार चांद लगाने का काम करती है। इसके अलावा बहुत से टूरिस्ट यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स को भी देखने के लिए पहुंचते हैं। अब आपको ये बताती हूँ कि आखिर ये रिवर आइलैंड बना कैसे। हिस्टोरियंस के मुताबिक बात 1750s की है, जब ये रिवर आइलैंड बना था। दरअसल तब ब्रह्मपुत्र और उसकी एक और ट्रिब्यूटरी दीहिंग नाम की एक नदी एक दूसरे के पैरेलल बहा करती थी, लेकिन हिस्टोरियंस के मुताबिक एक्सट्रीम फ्लड की वजह से ये दोनों नदियां आपस में मर्ज हो गई, जिसकी वजह से एक रिवर आइलैंड बन गया जिसे आज हम माजुली रिवर आइलैंड के नाम से जानते हैं। अफसोस की बात यह है कि 1790s तक माजुली रिवर आइलैंड 1300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता था, लेकिन 20th सेंचुरी तक इसका एरिया घटकर 1255 स्क्वायर किलोमीटर ही रह गया। वहीं अगर माजुली रिवर आइलैंड के करंट एरिया स्टेटस की बात करूं तो 2014 तक इसका 40% एरिया कम हो गया है, जिसकी वजह से इसका टोटल एरिया 352 स्क्वायर किलोमीटर ही रह गया है। फ्रेंड्स, इसी साल छपे एक लेटेस्ट आर्टिकल के मुताबिक तो पिछले 30-40 इयर्स में माजुली अपना 1/3 ऑफ लैंड एरिया खो चुका है और इसी तरह हर साल इसका कुछ ना कुछ एरिया कम हो रहा है, जो कि इस रिवर आइलैंड में रहने वाली 1.5 लाख से ज्यादा की आबादी के लिए एट प्रेजेंट एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। एक्सपर्ट्स का तो ये तक मानना है कि अगर इसी तरह माजुली का लैंड एरिया कम होता रहा तो हो सकता है कि साल 2030 तक माजुली नाम का दुनिया का ये सबसे बड़ा रिवर आइलैंड पूरी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी में समा जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए कहीं गुम हो जाएगा। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि आखिर माजुली रिवर आइलैंड का लैंड एरिया कम कैसे हो रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है? सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि माजुली रिवर आइलैंड ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ऐसे में क्योंकि हर साल यहाँ भारी बारिश होती है जिसकी वजह से फ्लड होता है और फ्लड की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी अपना डायरेक्शन बदलती रहती है, जिसकी वजह से यहाँ सॉइल इरोजन हो रहा है यानी कि भू कटाव हो रहा है और यही दुनिया के सबसे बड़े रिवर आइलैंड के अस्तित्व पर मंडरा रहे खतरे की एकमात्र वजह है। असम गवर्नमेंट के साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी इसे समय रहते रोकना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वेल फ्रेंड्स, कल क्या हो ये कोई नहीं जानता, इसीलिए मैं तो यही कहूंगी कि आप लोगों को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एक बार दुनिया के इस सबसे बड़े रिवर आइलैंड माजुली का रुख जरूर करना चाहिए। अगर आप माजुली की खूबसूरती का अपनी आंखों से दीदार करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने शहर से गुवाहाटी पहुंचना होगा। गुवाहाटी इसलिए क्योंकि गुवाहाटी उन शहरों में से है जहाँ की एयर कनेक्टिविटी बेहतरीन है। ऐसे में गुवाहाटी के लिए आपको अपने शहर से आसानी से फ्लाइट मिल जाएगी। गुवाहाटी पहुंचने के बाद आपको बस, टैक्सी या फिर फ्लाइट से जोरहाट पहुंचना होगा, जो कि 50 किलोमीटर की दूरी पर है। जोरहाट से लगभग 20 किलोमीटर का सफर तय करके आप माजुली पहुंच सकते हैं। जोरहाट से आप किमाली बारी फेरी लेकर भी माजुली पहुंच सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, ये थी कहानी दुनिया के सबसे बड़े रिवर आइलैंड माजुली की, जिसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।